الله وبركاته. الحمد لله له. الحمد لله رب العالمين ولا عقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحب مجد الكرم صدر مركز انجمن خادريه حضرت سيدي ومولاي سيد حامد محمد قادر افتخار باشا منزل له علي سهي نشين به تشريف فرما حضرت مولانا سيد حسن ابراهيم حسيني قادر سجاد باشا हमारे इलाके के एमएलए मौलाना सैयद अहमद पाशा कादरी मौलाना सैयद कादी मुसैनी हैदर पाशा कादरी मतदिल्लाहु अलैह मौलाना सैयद मुर्तदा ताजुद्दीन हैदर कादरी मतदिल्लाहु अलैह मौजूद उलमा इकराम मेरे ब्रादर मौलाना सैयद गुलाम समदानी अली कादरी मोतबद मरकज अंजुमन कादरिया व बरदर मोतमद शरीक मौलाना सैयद गुलाम कादर कुतुब कादरी बरदर मुअज्जम मौलाना सैयद ख्वाजा अली सैयद मदनी कादरी तमाम बरदरान असातिज़ा इकराम प्यारे बच्चों और इस जलसे में शरीक तमाम मुअज्जिज़ साहिबीन जिस आयत करीमा की मैंने तिलावत का शर्फ हासिल किया वमन अहसन कौलम मिम्मन दुआ इलल्लाह व अमल सालिह व काल इन्नी मुस्लिमीन रब तबारक व तआला अपने दीन की दावत और इशात और तबलीग के साथ अपने महबूब की नातों का इजहार फरमा रहा है। इस आयत करीमा में रब तबारक व तआला फरमाता है कि इससे अच्छी क्या बात होगी या इससे अच्छा शख्स वो कौन होगा जो दीन की तरफ बुलाए नेकी करे और कहे कि मैं मुसलमान हूं। इस आयत में रब तबारक व तआला एक तरफ दीन की दावत का बयान दे रहा है और साथ में यह हुक्म भी दे रहा है कि नेकी करो और कहो और दीन पे इस्तेकामत रहो और कहो कि मैं मुसलमान हूं। जिस माशरे में तुम रहते हो तुम्हारा अमल यह जाहिर करे कि तुम एक मुसलमान हो। कोई गैर मुस्लिम आपके दीन से वाकिफ रहना कोई जरूरी नहीं। जब इस्लाम अपने हुदूद फैला रहा था तो क्या आप समझते हैं कि जहां जहां इस्लाम फैला वहां पर लोग क्या कुरान से वाकिफ थे? क्या लोग अल्लाह के अहकाम से वाकिफ थे? हरगिज नहीं। वाखलम की सीरत देख रहे थे, वाखलम की सीरत देख रहे थे, उनके पैरोकारों की सीरत देख रहे थे, उनके पैरोकारों की जानिसारी देख रहे थे, उससे इस्लाम फैला। तो आप इस्लाम के पास जा रहे हैं, हर मुसलमान इस्लाम की अक्कासी कर रहा है। यहां इस आयत करीमा को फरमा रहा है, इस शाने नुज़ूल ये है, वमन अहसन कौलम, क्या ही अच्छी बात है, इससे अच्छा शख्स कौन है जो दीन की तरफ बुलाए। अब इस आयत करीमा की शाने नुज़ूल मुफस्सिरीन ने इस तरह फरमाया है कि यह आयत करीमा सरी अकालम की नात है जिसमें रब तबारक ताला आपकी दावत की तारीफ फरमा रहा है। एक तो ये, दूसरे वो उम्मती जो आपका बयान कबूल किए और इस बयान को आगे पहुंचा रहे हैं। तीसरा मुअज्जिन,
हमारे पास सैयदा आयशा कहती है कि आयत के नुज़ूल में मुअज़्ज़िन भी शामिल है, मुअज़्ज़िन भी शामिल है। और हदीस शरीफ में आता है कि 7 साल जो मुसलसिल अज़ाब दिया उस पर दोज़ख़ हराम। तो याद रखो मुसलमानों, मुअज़्ज़िन को हकीर ना समझो, मस्जिद के मुअज़्ज़िन की इज्जत तो वो मोहतरम है। इसके बाद रब तबारक व तआला फरमाता है कि क्या ही अच्छी बात है जो दीन को फैला, जो दीन की दावत दे। इस आयत करीमा की अहमियत को समझने के लिए आपको अपनी निगाह में मक्के मुअज़्ज़मा का वो दौर याद करना होगा जो इस्लाम का इब्तदाई दौर था, जहां पर यह कहना कि मैं मुसलमान हूं वैसी बात थी जैसे आप किसी दरिंदों को दावत दे रहे हैं कि मुझ पर हमलावर हो जाओ। वहां कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कहना ऐसा था जैसे आप किसी दरिंदों के सामने अपने अपने आप को भेंट कर दे रहे हैं। तारीख बताती है कि अम्मार बिन यासर के वालदैन हजरत यासर और सुमैया किस बेदर्दी से शहीद कर दिए गए जालिमों के सामने। आका अलैहि सलाम ऐसे दौर में अपनी एक मिसाल बनाए। मगर याद रखो दोस्तों, दावत देने के लिए दाई का अपना किरदार, अपनी अपना अमल सबसे ज्यादा नेक और साफ सुथरा होना चाहिए, तभी उसकी दावत में तासीर होती है। आप अपनी निगाह में वो दौर को याद करें जब मक्के मुअज़्ज़मा में इस्लाम की दावत देना कैसे मुश्किल था, मगर इस्लाम की दावत देने से ले पहले हुजूर अलैहिस्सलाम की नबुव्वत तो जब से है जब से आदम भी पैदा नहीं हुए थे। कुंतु नबियु आदम बैनल माई वल तीन, या यह कहा गया कुंतु नबियु आदम बैनल माई वल जसद, मैं जब से नबी हूं जब आदम पानी और मिट्टी के बीच में थे। मगर जब ऐलान नबुव्वत ज़ाहिरी ऐलान नबुव्वत फरमाया 40 साल की उम्र में, उससे पहले 40 साल तक अपनी जात को मनवाया। आपको इस बात को समझने के लिए आपको यह जरूरी है कि हुजूर अलैहिस्सलाम की दावत जब दीन हुई तो आपके सबसे करीबी रिश्तेदार सबसे पहले दोस्त आपकी दावत पर लब्बैक कहा। हजरत खदीजतुल कुबरा आपकी आपकी जोजन में ऐलान नबूवत से 15 साल पहले आपकी आपकी जोजियत में शरीक थी। आप देखें कोई औरत अपने शौहर की हमदर्दी तो कर सकती है, अपने शौहर की हर बात में हाथ तो कर सकती है, मगर नबूवत पे लब्बैक कहना वो तभी मुमकिन है जब आपके किरदार से आपकी जात से इतनी मुतासर हो कि वो जब नबूवत का ऐलान हो तो सबसे पहले लब्बैक कहे। सैयदना अली 10 साल के बच्चे आपके चचेरे भाई और आपके बेटे जैसे, कोई बच्चा अपने शफीक भाई अपने शफीक चचा से मोहब्बत तो कर सकता है, लार तो कर सकता है, मगर यह कहे कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूँ अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद अल्लाह के रसूल और नबी है, यह कहने के लिए यह तभी मुमकिन है जब उनकी जात से मोहब्बत हो, उनकी जात से अकीदा हो। कोई दोस्त अपने दोस्त को चाह तो सकता है, मगर नबूवत को मानना उसके रब को मानना जब ये मुमकिन है जब उसकी जात से मोहब्बत और अकीदा हो। हजरत अबू बकर सिद्दीक नबूवत से 20 साल पहले से, ऐलान नबूवत से 20 साल पहले से आका अलैहिस्सलाम की दोस्ती में है, मगर जब नबूवत का ऐलान हुआ तो बगैर किसी तामुल के हुजूर अलैहिस्सलाम की दावत दीन पर लब्बैक कहे और यार गार कहलाए गए। अबू बकर इब्न खफाफ अबू बकर सिद्दीक हो गए। फिर आप देखें हजरत जैद बिन हारिस हुजूर अलैहिस्सलाम की गुलामी में 15 साल पहले थे, ऐलान नबूवत से 15 साल पहले 15 साल की उम्र में हुजूर अलैहिस्सलाम की गुलामी में आए, 15 साल हुजूर अलैहिस्सलाम के बाद गुजारे। ऐलान नबूवत हुई तो सबसे पहले आपके खानदान के बाद गुलाम होने के बावजूद हुजूर अलैहिस्सलाम पर उनके रब पर ईमान लेकर आए और किसी जरिए से उनके बाप को और उनके चचा को पता चला कि उनका बेटा कहीं गुलामी कर रहा है,
मक्के में कुरैश में बनी हाशिम के खानदान में तुम गुलामी कर रहा है। वो ढूंढते हुए अपने बेटे के पास आए और कहने लगे, या रसूलल्लाह, आपके बारे में कहा गया है कि आप रहमत से भरपूर हैं, आप सादिक व अमीन हैं, आप हमारे बच्चे को आजाद कर दीजिए। हुजूर अलैहिस्सलाम में बगैर किस हुजूर अलैहिस्सलाम ने कहा, मुझे कोई एतराज नहीं, ये आपका बच्चा है, आप ले जाए, मगर एक बार अपने बच्चे से तो पूछ ले क्या वो आपके साथ जाना चाहता है। जब जैद बिन हारिस को बुलाया गया और पूछा गया कि क्या तुम अपने असली बाप के साथ वापस जाओगे, जैद बिन हारिस ने कहा, अरे जिसने मोहम्मद रसूलुल्लाह की गुलामी की उसको अपना सगा बाप भी प्यारा नहीं, उसको कोई आजादी नहीं। मोहम्मद की गुलामी में जो आजादी है वो दुनिया में कहीं और आजादी नहीं मिल सकती, दुनिया और आखिरत की सुरखुरु उसी में है, मोहम्मद रसूलुल्लाह की गुलामी में। आप देखेंगे आपके करीब से करीब तर रिश्तेदार, आपके करीब से करीब तर दोस्त इस्लाम में आते गए। यही काम अंजुमन कादरिया ने तरगीब देती रही। रब तबारक व तआला बताला, या अय्युहल्लज़ीना आमनु अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। अब ये आयत भी देखें, तबलीग दीन में रब तबारक का दोनों अहकाम अलग अलग फरमा रहे, अल्लाह की इताअत करो और रसूल की इताअत करो। बाजार दिखने में आपको यह दिखेगा कि एक अहकाम अलग दूसरा अहकाम अलग, नहीं, ये बात स्ट्रेस करने के लिए थी कि अगर तुम सिर्फ रब को मान लोगे तो तुम्हारा दीन मुकम्मल नहीं होगा, तुम्हारा दीन मुकम्मल तब होगा तुम रसूलुल्लाह की इत्तबा करो, और जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा करेगा वही रब की इत्तबा है, वही रब की इताअत है। अब आप देखेंगे दीन की असल इशात सुलह हुदैबिया हो रहा है। कुफार कुरैश ने कहा कि देखो जाओ, हमसे अमन का मुआहदा हो रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि इधर अमन का मुआहदे की बात हो रही है उधर हमारे खिलाफ कोई जंगी साजिश ना हो। हजरत अरवा को भेजा गया, हजरत अरवा को भेजा गया कि जाके मालूम करो, जाके मालूम करो कि मुसलमान हमारे खिलाफ क्या साजिश करते हैं। हजरत रवा अपनी असलियत जाहिर किए बगैर मुसलमानों के खेमे में चले गए। देखते हैं कि आका अलैहिस्सलाम ठहरे हैं और सहाबा का झुरमुट, हजारों सहाबा का झुरमुट सामने ठहरा, वैसे ठहरे हैं जैसे उनके सरों पर कोई चील बैठी है, कोई परिंदा उनके सरों पर बैठा है। अदब का ये मकाम, हुजूर अलैहिस्सलाम थूकते हैं तो कोई हाथ आगे बढ़ा देता है, पानी वजू करते हैं तो पानी लेकर अपने चेहरों पे मस कर देता है। जाकर कुरैश जाकर सरदारान कुरैश अबू सुफयान से कहा, अरे तुम किससे लड़ने की बात कर रहे हो, इनसे लड़ना नामुमकिन है, इनको हराना नामुमकिन है, मोहम्मद रसूलुल्लाह और उनके सहाबा बेमिसाल है। वह अरे मैं तो नजाशी के सदर के पास गया, ईरान के बादशाह के पास गया, रोम के बादशाह के पास गया, किसी बादशाह का ऐसा अदब होते हुए नहीं गया, ये जरूर कोई नूरानी मखलूक है, जरूर अल्लाह का नबी व रसूल है, या ऐसी जात जो उसके सामने तो उसके पैरोकार ठहरे हैं, तो ऐसे लगता है कि जरम जैसे जरम पर कोई परिंदा ठहरा हो। अरे वो जब थूकता है तो थूक जमीन पे नहीं गिरता, उसके साथ थूक अपने हाथों में ले लेते हैं, चेहरे पे मस कर लेते हैं, जब पानी के कतरे उनके चेहरे से गिरते हैं तो जमीन तड़पती है कि वो पानी के कतरे जमीन पे आ जाए, मगर असहाब अपने हाथ आगे बढ़ाते हैं। जब वो हलाका जब अपने सर के बाल निकालते हैं तो बालों के लिए ऐसे दौड़ पड़ते हैं जैसे जंग कर ले आपस में, ऐसा अदब मालूम हुआ इसी बात के अदब से, इसी अदब के सख्ते तुफैल हजरत अरवा में दीन की तहरीक जागी। तो मुसलमानों याद रखो, मोहब्बत रसूल अदब रसूल दीन की सबसे बड़ी तबलीग है। आका मेरे आका के जलसे समारो, मेरे आका की महफिलें जमाओ, मेरे आका की नाते पढ़ो, यह सबसे बड़ी दीन की तबलीग है। रब तबारक व तआला फरमाता है, और ये काम बहुत बहादुरी का है, इसमें नेक अमल और बहादुरी के साथ कर काम करना है, इसमें मुश्किलें भी आती है,
मुश्किलें मरकजी इंजन में खादरा के लिए भी आई, मगर याद रखो दोस्तों, दरिया की रवानी कभी रुकती नहीं। दरिया की रवानी में अगर पहाड़ आ जाए तो दरिया रास्ता अपना खुद बना लेता है। ऐसे ही आज जो बच्चे यहाँ शामिल है, कल ये बच्चों का रोशन मुस्तकबिल होगा। कल इनमें से उलमा आएंगे, कल इनमें से उलमा जागेंगे। दुनियावी तालीम भी अगर वो हासिल करेंगे, जब उनका दीन मजबूत होगा तो उनकी दुनिया भी संवरेगी, आखिरत भी संवरेगी। दुआ करता हूँ रब तबारक व तआला से कि अल्लाह ताला इस्लाम और मुस्लिमीन की इज्जत और आबरू रख रहे। اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين।